तो दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हैं, आपने कुछ करने के लिए सपने देखे हुए हैं, तो आपको ये जीवन में 5 बातें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करना चाहता है। सबके कुछ ना कुछ सपने ज़रूर होते हैं, लेकिन हम उन सपनों के बीच में कुछ गलतियां करते हैं। जिन बातों पे हमको ध्यान देना चाहिए, हम उन बातों को ध्यान नहीं रखते हैं। जब आप इन बातों का ध्यान रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो कि हरा सके। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी कुछ बड़ा करने का सोचते हैं या फिर हम कुछ अलग हटके करने के लिए सोचते हैं, अपना कुछ गोल तैयार करते हैं, तो उस टाइम पर हमारे माइंड में ये चीज़ें ज़रूर चलती हैं कि लोग क्या कहेंगे। आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, आपके आसपास रहने वाले पास पड़ोसी या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स, इन सब के बारे में सोच करके हम कई बार कदम पीछे हटा लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम हमेशा अपनी इज्जत को लेकर के, अपने सोसाइटी को लेकर के हर चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पीछे हट जाते हैं, बहुत सारे सपनों को अपने छोड़ देते हैं। ये सोचते हैं कि पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे। अगर हमने कुछ अलग हटके करना चाहा या फिर हमने अपने सपनों को पूरा करना चाहा, तो हमारे बारे में तरह तरह की बातें होने लगेंगी। लेकिन आपको ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ का जो भी एम है, आपकी लाइफ का जो भी गोल है, वो सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं, कोई और पूरा नहीं कर सकता है। कभी कभी तो लोग फैमिली मेम्बर्स के बारे में ही ये सोच करके पीछे हट जाते हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फैमिली मेम्बर आपको सपोर्ट आज करें या ना करें, लेकिन जब आप थोड़ा सा ग्रो करेंगे, जब आपकी ग्रोथ होगी और उस ग्रोथ को देख करके आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपका सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। आपको अभी स्टार्टिंग में किसी के सपोर्ट की या फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हर व्यक्ति आकर के आपको सांत्वना दे कि नहीं, तुम ऐसा करोगे तो तुम एक दिन बहुत बड़े बन जाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार लोग निगेटिव बातें भी करते हैं आपके बारे में। मैं तो कहूँगी कि अगर आपने कुछ अपना ऐसे सपना देखा है, कुछ करना चाहते हैं, तो आप दूसरों से वो बात शेयर भी मत करिए। सिर्फ उन लोगों को बताइए जिनको कि बताना बहुत ज़रूरी है, जिनका आपको हेल्प चाहिए है और आपको लगता है कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए ये अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जो लोग आज आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, वो कल आपकी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे। जहाँ वो देखेंगे कि नहीं, आपके पास थोड़ा सा भी कहीं से रुपया पैसा आ रहा है या फिर आपका कहीं भी नाम हो रहा है, कुछ भी ऐसा देखेंगे, तो वो आपके साथ में खड़े होना शुरू हो जाएंगे। आपके पास उनके फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, आपसे वो मित्रता गहरी करने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन आज जब आपको ज़रूरत है, तो वो लोग पीछे हट जाएंगे, क्योंकि जैसे नियम कायदे कानून उन लोगों ने बना के रखे हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो या फिर चाहे वो रिश्तेदारी में हो, वो लोग वही चाहते हैं कि आप उतने ही दायरे में रहें, उससे बाहर निकलने की जरूरत ना करें। इन सारे नियम कायदे कानूनों को तोड़ करके भी कुछ अगर अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, वो बुरा नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। दूसरों के मन में क्या चल रहा है, दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है, आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि जब तक आप दूसरों के मन को पढ़ेंगे, दूसरों के दिमाग को पढ़ेंगे, उतनी देर में आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। कई बार हम यही सोचते रह जाते हैं कि नहीं, अगर वो सामने वाला है तो वो क्या करने वाला है, क्या करना चाहता है, उसके सपने क्या होंगे, अगर जो वो जैसा करेगा मैं भी वैसा करूंगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। आप दूसरों के लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। फिर चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर्स हों, फिर या चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हों या फिर आपके रिश्तेदार हों, कोई भी हो, आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो किसी और के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप किसी पर भी ध्यान देना बंद कर दें, आप सिर्फ और सिर्फ खुद पर कॉन्सेंट्रेट करें, खुद पर ध्यान दें, क्योंकि अपनी लाइफ के गोल्स को पाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकते, तो इसका मतलब आप किसी भी चीज़ को पा नहीं सकते अपनी लाइफ में। इसलिए आपको कॉन्सेंट्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी देर में आप दूसरों के विचारों को पढ़ना चाहते हैं, दूसरों की चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उतनी देर में आप अपने बारे में सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या क्या सपने हो सकते हैं, मैं इससे अच्छा क्या अचीव कर सकता हूँ। उतनी देर में आप खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, खुद के बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। नंबर थर्ड पॉइंट, कई बार हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि लोग हमेशा ये कह करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि नहीं, वो नहीं कर पाया तो मुझसे कैसे होगा। या आपके फैमिली में भी कोई ऐसे लोग होंगे या आपके रिश्तेदारों में ऐसे लोग होंगे जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, जो आपके लिए हमेशा ये बोलते हैं कि जब वो नहीं कर सका तो तुम कैसे करोगे। ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लोग उठाते हैं और धीरे धीरे करके वो लोग हमारे माइंड में इतना ज़्यादा इन चीज़ों को भर देते हैं कि हम खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, जब वो नहीं कर सका, जो कि मुझसे इतना ज़्यादा क्वालिफाइड है, मुझसे इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझसे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब इस तरीके के सवाल होते हैं, जब वो इंसान नहीं कर सका तो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों को, इन बातों को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है कि जब वो नहीं कर सका तो हम कैसे करेंगे।
आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिवाइन पावर मिली है, आपको भगवान ने वो चीज़ें वो शक्तियाँ दी हैं जो कि उन्होंने सबको दी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने उसी व्यक्ति को दी थी और आपको नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आपको भगवान ने कोई भी शक्ति नहीं दी है, आपको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का पुतला बना करके भेज दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ शक्तियाँ हैं, एनर्जीज हैं, पावर्स हैं। तो उन चीज़ों को देखिए, अपने अंदर की पावर को देखिए, दूसरों के अंदर की पावर से अपनी कंपेयर बिल्कुल मत करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नहीं कर सका तो आप भी नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके भाग्य में लिखी हैं, उसके भाग्य में वो चीज़ नहीं थी, तो इसलिए वो नहीं कर सका, लेकिन आप वो कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करना कभी भी मत छोड़िए, कोशिश आप ज़रूर करिए, होगा या नहीं होगा उस चीज़ की इच्छा आप अभी बिल्कुल मत करिए। क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है, कृष्ण भगवान ने ये कहा हुआ है कि आप कर्म करिए लेकिन फल की इच्छा मत करिए। लेकिन कुछ लोग कर्म करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं, उनको लगता है कि जब वो नहीं कर सकता तो मैं कैसे कर सकता हूँ। आपको अपने मन में ये सोचना है, आपको अपने अंदर ये चीज़ जगानी है कि नहीं, कोई और करे या ना करे, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। जिस दिन आपकी थॉट प्रोसेस इस तरह से होगी, उस दिन आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग ये गलती करते हैं, वो अपनी कमजोरियों को अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि उनके अंदर जो कमजोरियाँ हैं वही उनकी असली ताकत है। ऐसे आपने बॉलीवुड में बहुत सारे एक्ट्रेस को देखा होगा, बहुत सारे एक्टर को देखा होगा जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा भद्दे दिखते थे, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखते थे, लेकिन अभी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं और उन्होंने अपना वेट भी कम किया हुआ है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा, बहुत से एग्जांपल्स देखे होंगे। मैं सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस ही नहीं बोलूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले में और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए अपनी कमजोरियों पे काम करें, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप दिखने में सुंदर नहीं है, या फिर आप किसी के सामने आप बात नहीं कर सकते, आपको डर लगता है, स्टेज फोबिया है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है, आपको लगता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, या फिर आपको कोई भी काम करने में हिचकिचाहट होती है, तो उस चीज़ को आप अकेले में करना स्टार्ट करिए। उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए कि अभी मैं अकेले में करूँगा या फिर मैं अकेले में करूँगी, मैं देखूँगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता। आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जिनको कि बहुत ज़्यादा कम, जिनकी हाइट है, वो हैंडीकैप्ड है, वो किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के पास तो भगवान ने अजीब सा चेहरा ही बना करके भेजा हुआ, लेकिन फिर भी वो लोग लाइफ को आगे लेके गए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है, जो चीज़ें जीतने का हम लोग सपना रखते हैं वो उन्होंने जीता है। तो उन्होंने उस चीज़ को, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया है, उन्होंने अपनी कमजोरी से खुद को हारने नहीं दिया है। इसलिए अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं, अपनी कमजोरियों को कभी भी आप इस तरीके से ना लें कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर ये कमजोरी है। अगर आज आपके अंदर वो कमजोरी है तो कल को वही चीज़ आपकी ताकत भी बन सकती है, इस बात को हमेशा याद रखिए। नंबर फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आप सभी को पता होगा लेकिन आप सब एक टाइम पर जाकर के इस चीज़ को भूल जाते हैं। जब भी आप असफल होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आज की असफलता कल आपकी सफलता भी बनेगी। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, कुछ भी हो, कभी ना कभी आपको फेलियर का सामना करना पड़ता ही पड़ता है। और जिस दिन आप फेलियर का सामना करते हैं उस दिन आप टूट जाते हैं। कुछ लोग तो एक ही बार में इतना ज़्यादा टूट जाते हैं कि वो आगे बढ़ने के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ये कभी भी नहीं करना है। आपकी फेलियर भी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने ट्राई किया और आप फेल हो गए तो उस चीज़ से आपने कुछ नहीं सीखा। उस चीज़ से आपने ये सीखा कि मुझे दोबारा ऐसी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और मुझे अब क्या करना चाहिए। इसलिए अगर आपको ये पता होगा कि आपको अब की बार क्या नहीं गलती करनी है और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है आगे बढ़ने के लिए, तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं और हो सकता है कि इस बार आप सफल हो जाएं। इसलिए कभी भी आपको असफल होने का डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अरे, आप एक बार फेल हो जाएंगे तो दोबारा सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि असफल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग असफल कभी नहीं हुए हैं हमेशा सफल होते जाते हैं, उनको असफलता के बारे में पता ही नहीं होता है कि जो व्यक्ति असफल होता है उसके साथ क्या होता है। वो लोग अपने से जो नीचे के लोग होते हैं उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करते हैं। इसलिए आपको हमेशा ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा ये अपने मन में रखें, अगर मैं असफल हो भी गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इससे बेटर तरीके से कोशिश करूँगा। असफलताएं आपके जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, असफलता आपका जीवन नहीं है। इसलिए आपको असफलता से बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो दोस्तों, ये पांचों पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को याद रखते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर एक दिन उनको अचीव कर लेंगे।